क्या आप जानते हैं कि इलॉन मस्क से जब पूछा गया कि आपकी एक कार की कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला, इसका मतलब है कि आप द ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला से बहुत इंप्रेस्ड, तो उस पर इलॉन मस्क ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं निकोला टेस्ला से ज्यादा थॉमस एडिसन से इंप्रेस्ड हूँ। और क्या आपको पता है कि निकोला टेस्ला ने आइंस्टाइन के बारे में एक पोएम लिखी थी जिसमें उन्होंने आइंस्टाइन की बेइज्जती की थी? या फिर क्या आपको पता है कि खुद आइंस्टाइन ने हाइजेनबर्ग की बेइज्जती की थी? ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसके एंड का मैसेज भी बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब इससे पहले कि हम इलॉन मस्क की इस स्टेटमेंट का क्लिप देखें, हम थोड़ी बैक हिस्ट्री देख लेते हैं ताकि हमें से सबको पता चल जाए कि निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन के बीच में चल क्या रहा था। तो टेस्ला पैदा हुए थे 1856 में और थॉमस एडिसन पैदा हुए थे 1847 में। तो पॉइंट ये है कि दोनों की एज में सिर्फ 9 साल का ही डिफरेंस था। थॉमस एडिसन के बारे में हमें स्कूल की बुक्स में पढ़ाया जाता है कि उन्होंने बल्ब को इन्वेंट किया, 10,000 से ज्यादा बार एक्सपेरिमेंट किए कि कौन सा फिलामेंट हमें लाइट दे सकता है, और फाइनली उन्हें टंगस्टन मिला और हमें रोशनी दी। वाओ! और फिर हमें एडिसन की बहुत अच्छी कोट्स भी सुनाई जाती है कि उन्होंने 10,000 बार ट्राई करने पर बोला था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट डज नॉट वर्क, यानी मैं हारा नहीं हूं, मुझे सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके मिल गए हैं जो काम नहीं करते। और हम बहुत खुश भी हो जाते हैं कि वाओ यार क्या पेशेंस है, हार्ड वर्क है, हम तो 5 या 6 बार ट्राई करके हार मान लेते हैं। लेकिन बाद में जब हम खुद की रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि स्टोरी कम्प्लीटली कुछ और ही थी। हमें ऐसे आर्टिकल्स मिलते हैं जहां पर बताया जाता है कि एडिसन ने कोई लाइट बल्ब नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने हेनरी वुडवर्ड और मैथ्यू इवंस 1880 में पेटेंट खरीद लिया था और फिर उन्होंने 50 इंटर्न्स को हायर किया उस पेटेंट को परफेक्ट बनाने के लिए, और बाद में उस लाइट बल्ब की बहुत अच्छे ढंग से मार्केटिंग की और बहुत ज्यादा पैसे कमाए। एडिसन वॉज अ ट्रू मार्केटर एंड अ श्रूड बिजनेसमैन, जबकि टेस्ला वॉज एन इंजीनियर जिन्हें पैसों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने उनका फायदा भी उठाया। उनकी ही रिसर्च से बहुत से लोगों ने खुद पैसे कमाए। और हुआ क्या एंड में, उनकी मौत अकेले एक होटल के कमरे में हुई। टेस्ला का मानना था कि वो इंजीनियरिंग से प्यार करते हैं और उन्हें बस वही करना। टेस्ला ने एडिसन के लिए काम भी किया था जहां पर निकोला टेस्ला एडिसन के डायरेक्ट करंट सर्किट्स पर काम कर रहे थे, लेकिन वहां पर उन्होंने रियलाइज किया कि डीसी की जगह ऑल्टरनेटिंग करंट ज्यादा बेटर है, जबकि थॉमस एडिसन मानते थे कि डीसी यानी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर है। लेकिन टेस्ला ने अपनी इनोवेशन से प्रूव कर दिया था कि ऑल्टरनेटिंग करंट बेटर है और इसलिए आज हम घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट ही यूज कर रहे हैं। एनीवेज, थॉमस एडिसन निकोला टेस्ला से इतने चिढ़ने लगे थे कि वो सबके सामने जानवरों को एसी करंट देके मारने लग गए ताकि सिर्फ वो ये प्रूव कर सकें कि एसी करंट खतरनाक है और निकोला टेस्ला की इनोवेशन से लोगों का ध्यान हटवा सके। लेकिन इसके बावजूद इलॉन मस्क एडिसन से ही इंप्रेस्ड हैं, क्योंकि इलॉन का मानना है कि टेस्ला बस अपने काम में लगे रहते थे। उनके 300 से ज्यादा पेटेंट्स तो थे लेकिन वो उनकी मार्केटिंग नहीं कर पाए, अपने जीते जी अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। और इलॉन मस्क का मानना है कि हमें इनोवेशन के साथ साथ अपनी इनोवेशन लोगों तक भी पहुंचानी चाहिए ताकि उनकी लाइफ इंप्रूव हो सके, वरना ऐसी इनोवेशंस का क्या फायदा। और यही रीजन है कि वो स्टीव जॉब्स से भी बहुत इंप्रेस्ड, क्योंकि स्टीव जॉब्स को मार्केटिंग करने आ गई और मार्केटिंग प्रोडक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। इलॉन मस्क की एक्स वाइफ एक टॉक में बता रही थी कि इलॉन मस्क जानते हैं कि इंजीनियर्स बहुत काम करते हैं, चीजें क्रिएट करते हैं, और जब इंजीनियर्स कंपनी के सीईओ को कोट पैंट में देखते हैं तो उन्हें यह समझ नहीं आता कि ये लोग इतने फेमस कैसे हो रहे। लेकिन उनकी एक्स वाइफ के अकॉर्डिंग इलॉन समझ गए हैं कि कब उन्हें सीईओ की तरह एक्ट करना और कब इंजीनियर की तरह, लेकिन दिल से वो अभी भी एक इंजीनियर है, क्योंकि जब भी वो कहीं जाते हैं और उन्हें उनकी पोजीशन के बारे में पूछा जाता है तो वो सीईओ या बिलियनेयर नहीं लिखते, वो हमेशा इंजीनियर लिखते हैं। You know, Elon never wrote down CEO or king of the world or he wrote engineer. He wrote engineer. तो ये रही इलॉन मस्क की स्टेटमेंट जब उनसे पूछा गया कि निकोला टेस्ला क्या तुम्हारे रोल मॉडल हैं, तो इस पर इलॉन मस्क ने कहा था, नहीं निकोला टेस्ला से ज्यादा मैं थॉमस एडिसन से इंप्रेस। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी कार कंपनी का नाम तो टेस्ला है और वो इसीलिए है क्योंकि हम एसी इंडक्शन मोटर यूज करते हैं कार को चलाने के लिए और निकोला टेस्ला को लोग उतना नहीं जानते, तो वो थोड़ा क्रेडिट डिजर्व करते हैं। लेकिन एडिसन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो अपनी इन्वेंशन को दुनिया में लेके आए, लेकिन टेस्ला ऐसा नहीं कर पाए। You know, the car company is called Tesla. And the reason it's called Tesla is because we use an AC induction motor, which is an architecture that Tesla developed. And the guy probably deserves a little more play than he gets in current society. But on balance, I'm a bigger fan of Edison than Tesla. Because Edison brought his stuff to market and made those inventions accessible to the world, whereas Tesla did
didn't really do that. तो obviously हम ऐसे कई लोग सोच रहे होंगे कि यार निकोला टेस्ला इतने intelligent फिर भी इतनी गरीबी में एक होटल के कमरे में मरे. And we all love निकोला टेस्ला. पर क्या आपको पता है कि इसी टाइम पर एक और सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट भी जन्म ले चुका था जिसकी थियरी से निकोला टेस्ला सेटिस्फाइड नहीं थे और उस साइंटिस्ट का नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन. यस, एल्बर्ट आइंस्टाइन. तो हुआ यह था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक पेटेंट ऑफिस में क्लर्क थे जिन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंट किए बिना न्यूटन की थ्योरीज को गलत साबित कर दिया था और उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत ही नॉन इंट्यूटिव थी जो कि एक एवरेज दिमाग को समझ नहीं आ सकती थी. उनकी एक थ्योरी कहती है कि अगर दो जुड़वा भाई एक साथ जन्म लेते हैं और उनमें से एक भाई लाइट की 90% स्पीड तक भी कहीं और स्पेस में ट्रेवल करके 5 साल बाद वापस आता है तो जो भाई टाइम ट्रेवल करके वापस आया है उसकी एज सिर्फ 5 साल होगी लेकिन जो अर्थ पर ही था वो बहुत बूढ़ा हो गया होगा. जब इन थ्योरीज के बारे में निकोला टेस्ला को पता चला तो उन्हें ये थ्योरीज बहुत अजीब सी लगी और उन्होंने आइंस्टाइन के बारे में एक पोयम सी लिखी जो कहती थी, टू बैड सर आइज़ैक, दे डिम्ड योर रेनाउन एंड टर्नड योर ग्रेट साइंस अपसाइड डाउन. Now a long hair cranked Einstein by name puts on your teaching all the blame. Says matter and force are transmutable and wrong the laws you thought immutable. Yani in short Tesla कहना चाहते थे कि ये नया लड़का आया है Einstein जो Newton के काम को challenge कर रहा है. Einstein ने वैसे तो कभी Tesla के खिलाफ नहीं बोला. Even उनके birthday में भी Einstein ने wish किया एक छोटा सा note लेके जिसमें उन्होंने लिखा था high frequency currents की category में जिन्होंने महारत हासिल की उस इंसान को मैं उनके लाइफ वर्क के लिए कांग्रेचुलेट करता हूं. लेकिन निकोला टेस्ला की बेइज्जती के बाद आइंस्टाइन से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट आदमी को आज कैसा लग रहा है तो इस पर आइंस्टाइन ने जवाब दिया, मुझे क्या पता, आप जाओ निकोला टेस्ला से पूछो. अब इस स्टेटमेंट को बहुत से लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया. कई लोगों ने सोचा कि आइंस्टाइन टेस्ला को इंटेलिजेंट मानते हैं तभी उन्होंने ऐसा बोला, जबकि कई लोगों का यह मानना था कि आइंस्टाइन टेस्ला को टॉन्ट मार रहे हैं क्योंकि उस वक्त आइंस्टाइन बहुत फेमस हो गए थे. एनीवेज, अब एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में हम सोच रहे होंगे कि क्या यार हमें लोगों के आइडिया सुन लेने चाहिए, क्या पता एक पेटेंट ऑफिस में बैठा हुआ क्लर्क भी बिना कोई एक्चुअल का एक्सपेरिमेंट किए हुए न्यूटन की थ्योरीज को गलत साबित कर दे. बट ऐसा भी नहीं है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी हाइजेनबर्ग की थ्योरीज को गलत ही समझा था. अब आइंस्टाइन और हाइजेनबर्ग के बीच में क्या हुआ था उसे समझने के लिए हम जल्दी से एक बेसिक थ्योरी को समझ लेते हैं. तो बेसिकली आइंस्टाइन और बाकी फिजिसिस्ट ये मानते थे कि यूनिवर्स में जितनी भी फोर्सेस हैं, चीजें हैं, वो कुछ सेट ऑफ इक्वेशन से प्रेडिक्ट की जा सकती हैं। यानी अगर हमें पता होगा कि एक बॉल की वेलोसिटी क्या है और वो किस डायरेक्शन में जा रही है तो हम ये बता सकते हैं कि कुछ देर के बाद वो बॉल कहां पर लैंड करेगी. The ball would still continue to travel in a straight line at a fixed velocity. But Heisenberg के according, अगर हमें किसी small particle की position पता करनी है तो हमें उसका momentum नहीं पता चलेगा और अगर मोमेंटम पता करना है तो उसकी पोजीशन नहीं पता चल पाएगी. इससे रिलेटेड एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपेरिमेंट है, हम उसे देख लेते हैं. ओके, तो हम सबको ये तो पता है कि लेजर लाइट एक ही डायरेक्शन में जाती है. अगर हम इसे एक स्लिट से यानी छोटी सी जगह से पास करें तो इंट्यूटिवली हमें यह लगेगा कि लेजर लाइट का जो डॉट स्क्रीन में बन रहा है वो और छोटा होता रहेगा क्योंकि जिस स्लिट से वो लाइट पास हो रही है हम उसे छोटा किए जा रहे हैं और फाइनली और ऐसा होगा भी. लेकिन एक पॉइंट आता है कि जिसके बाद अगर हम स्लिट की पोजीशन को यानी उस जगह को और कम कर दें तो लाइट का डॉट छोटा होने के बजाय बहुत वाइड हो जाता है. अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्लिट को छोटा करने पर हमें उस लाइट की पोजीशन के बारे में एग्जैक्टली पता चलना चाहिए था कि उसका डॉट सामने लगी हुई स्क्रीन पर कहां पर होना चाहिए. लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें उसकी पोजीशन का कुछ भी नहीं पता. अब इस थ्योरी से आइंस्टाइन बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि अगर इस थ्योरी को एक्सटेंड कर दो तो इसके बहुत अजीब अजीब से कंक्लूजन निकलते हैं. जैसे कि एक कंक्लूजन ये है कि अगर हम दीवार की तरफ जाते हैं और अगर दीवार से टकराने लगते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि हम पिघलकर दीवार की दूसरी तरफ से निकल जाएं. अब हमें से मैक्सिमम लोग बोलेंगे कि ये क्या बकवास है, ऐसा तो हमने कभी भी किसी के साथ नहीं देखा. लेकिन ऐसा पॉसिबल है, बेशक इसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम है. इतनी कम है कि इस इवेंट को देखने के लिए हमें इतना वेट करना पड़ेगा जितना टाइम पूरा यूनिवर्स को खत्म होने में लगेगा, इसलिए हम इसे रियल लाइफ में नहीं देख पाते. That you will find yourself on the other side of a brick wall. Now, to tell you the truth, you would have to wait longer than the lifetime of the universe for such an event to take place. और यही रीजन है कि इस पर आइंस्टाइन ने स्टेटमेंट भी दी थी कि भगवान ने दुनिया बनाने के लिए डाइस नहीं फेंका था. यानी इन शॉर्ट उनके अकॉर्डिंग यूनिवर्स एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स के साथ चलता है और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल गलत है, जिस पर उनके कलीग नील बोर ने आइंस्टाइन से कहा था, आइंस्टाइन
भगवान को बताना बंद करो कि उन्हें क्या करना है। तो हमें से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इस वीडियो का गोल क्या है। देखिए, हमें से बहुत लोगों के कोई ना कोई रोल मॉडल्स हैं और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हमें सेंस ऑफ डायरेक्शन देता है कि हमें खुद को किस तरह से मोल्ड करना चाहिए ताकि हम ठीक जगह पहुंच सके। लेकिन रोल मॉडल्स को भगवान ही मान लेना ये भी गलत है। खास करके हम लोग ना बहुत इमोशनल हैं, हम बाइनरी में सोचने लगते हैं। हमारी सोच किसी भी इंसान के बारे में कुछ ऐसी होती है कि या तो वो इंसान बहुत बुरा इंसान है या फिर ये इतना अच्छा इंसान है कि ये भगवान मानने के लायक है। जबकि एक बहुत अच्छे इंसान में भी कुछ ना कुछ कमियां होती हैं और एक बहुत बुरे इंसान में भी कुछ अच्छाइयां। इसलिए हमें किसी को भी अच्छा या बुरा मानने से पहले उसका पूरा स्पेक्ट्रम देख लेना चाहिए, ना कि उसे किसी एक कैटेगरी में इमेजिन करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग, स्टीव जॉब्स, एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, इलॉन मस्क या निकोला टेस्ला की बायोग्राफी हिंदी में सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 170 से ज्यादा फ्री बुक समरीज हिंदी में अवेलेबल है और हर हफ्ते हम एक फ्री बुक समरीज में ऐड करते रहते हैं। तो अगर आप यूजलेस एप्स में अपने टाइम वेस्ट करने के बजाय नॉलेजेबल कंटेंट में टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस ऐप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। ये एप्लीकेशन दोनों iOS और Android में अवेलेबल है। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।